हाँ तो गाइस मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखो मेरा कितना बड़ा घर, और यार ये घर जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिया है। तो चलो मैं आपको घर दिखाता हूँ, तो चलो इधर चलते हैं। तो ये देखो गाइस यहाँ पे मैं नहाता हूँ, ये बाथरूम। तो चलो यार इधर क्या है, अबे यार ये तो चलो गाइस अभी अपन इधर चल के देखते हैं इधर क्या है। तो गाइस यार ये तो बेडरूम है, लेकिन यार यहाँ पे तो दो जने सोते हैं। तो यार मेरी तो कोई है ही नहीं, तो मैं किसके साथ सोऊं? तो ये देखो गाइस यार ये मेरी टीवी, और ये लैपटॉप, और ये किताब जो कि मैं नहीं पढ़ता हूँ अब, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा तो ये देखो गाइस यहाँ पे बैठकर हम खाना खा सकते हैं। लेकिन एक सेकंड यार, खाने से याद आया मेरा तो एक नौकर है। तो ये देखो गाइस यार ये रहा, अबे सुन जा मैं चाय बना के ला। अच्छा सर अभी लाता हूँ। अरे थोड़ा धीरे आवाज में बात कर, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। अच्छा वैसे तूने खाने भी क्या बनाया यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे सर आज तो मैंने आपके फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी किचन में चलो। अरे सर ये देखो ये रहा। क्या मेरी पसंद का खाना? अबे यार ये तो मेरी पसंद का खाना नहीं है यार। अरे सर लगता है आप भूल गए, आप तो बल्कि सुबह उठ के यही खाते हो और यही निकालते हो। तो गाइस जैसा कि आपको पता है मेरे पास बहुत पैसा है, तो ऑब्वियसली मेरे पास कार भी होंगी। तो ये देखो मेरे पास है एक महिंद्रा थार और है वैगनार, जो कि मेरी फेवरेट है। अच्छा। और अगर आपको भी वैगनार चाहिए तो कमेंट में वैगनार लिखो। Okay. और गाइस यार ये देखो मेरे पास कितने सारे लोग काम करते हैं, ये सब मेरे नौकर है। अबे वो टकले निकल यहाँ से, टकला कहीं का गजब बेइज्जती है। हाँ तो गाइस यार मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास है देसी बुलेट। अच्छा। और मेरे पास है व्हाइट फॉर्च्यूनर और ब्लैक स्कॉर्पियो, कति एकदम करारी गैंगस्टर वाली कार है। और यार ये दोनों कार मैंने इसलिए ले रखी है क्योंकि यार मैं हूँ देसी बॉय। हाँ तो चलो यार अभी मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ, देखो कैसा गाँव है मेरा। चलो भाई। ये रहा नहीं जाता। तो चलो गाइस अभी अपन जल्दी से चलते हैं। लेकिन एक सेकंड यार, ये तो मेरा दोस्त है। अबे तूने दो दिन पहले ही तो स्कॉर्पियो लिए और फिर आज दोबारा फॉर्च्यूनर ले ली। अबे मैं देसी हूँ तो क्या हुआ, मैं फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता क्या? तुझे पता नहीं देसियों के पास कितना पैसा होता है? अबे यार मैं खाना खा के हाथ धोता हूँ ना, तो मैं पानी से हाथ नहीं बल्कि पैसों से हाथ धोता हूँ। तो गाइस ये देखो ये रहा मेरा नौकर, अबे जा गाय को चारा खिला के आ। अरे सर मैं तो नहीं जा रहा। क्या बोला तूने नहीं जाएगा? रुक जा अभी तुझे बताता हूँ, ये ले। अरे गाइस यार ये देखो आप लोग मेरा नया घर कितना अच्छा लग रहा है ना। अरे बंटी बेटा जल्दी नीचे आओ, मुझे तुमसे एक काम है। अरे यार लगता है मम्मी बुला रही है, चलो जल्दी से चल के नीचे देखते हैं, मम्मी से पूछते हैं क्या हुआ। चलो भाई। लेकिन एक सेकंड यार मम्मी तो यहाँ है ही ना, चलो अपन बाहर चल के देखते हैं, लगता है मम्मी बाहर होंगी। अरे यार ये क्या, मम्मी तो बाहर भी नहीं है, फिर मम्मी आवाज कहाँ से दे रही थी? अभी वो गधे में तेरे पीछे हूँ। अरे मम्मी सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे पीछे हो। अच्छा। अबे सॉरी कि बच्चे जल्दी स्कूल जाए, स्कूल का टाइम हो गया। अरे मम्मी मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। अबे कुत्ते अगर तू पढ़ने नहीं गया ना, तो मैं तुझे बिना साबुन के धो दूंगी। अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था बस, हवा निकल गई। अच्छा मम्मी जा रहे हूँ, अब आप 5 रुपए तो दे दो, स्कूल में समोसे खा लूंगा। अभी निकल जाए यहाँ से, मेरे पास फालतू रुपए नहीं है। गजब बेइज्जती है। अरे यार मम्मी तो 5 रुपए भी नहीं देती, तो चलो यार अब अपन स्कूल चलते हैं यार। कुल्ला हबीबी हमारे पास इतना पैसा होती के हम नाली में बहा देती। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, ये देखो यार अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ने स्कूल। नहीं। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी कार से जाऊँ। चलो यार एल्विश यादव वाली पोर्स से चलता हूँ ना। और गाइस यार अगर आप लोग एल्विश भाई को जानते हैं तो कमेंट में एक बार सिस्टम लिख देना, मैं भी तो देखो कितने बंदे एल्विश भाई को जानते हैं अभी तक। तो चलो फिर अब चलते हैं। तो गाइस यार अभी आप लोग देख सकते हो मेरी पोर्शे कितनी कबाड़ा हो चुकी है। सो गाइस यार अभी अभी मुझे अपनी कबाड़ा पोर्शे पे एक शायरी याद आई है, रुका भी आप लोग को सुनाता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूँ। तो मेरी पोर्शे है सबसे कबाड़ा, मेरी पोर्शे है सबसे कबाड़ा, ये कबाड़ा है तो क्या हुआ, ऐसी तो मैं मंगा लूंगा 1000 करोड़ दोबारा।
तो गाइस यार अभी अभी मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने मुझे बताया कि वो गाड़ी लेके आ रहा है, अभी हम पिकनिक पे जाएंगे। तो ये देखो मेरा दोस्त आ गया। अबे तू गाड़ी के सामने क्यों खड़ा है, जल्दी अंदर आके बैठ जा नहीं तो उड़ा दूंगा। अरे यार तू इतनी धीरे धीरे गाड़ी क्यों चला रहा है, जल्दी चला, ऐसे चलाई तो हम कल सुबह पहुंचेंगे। तो गाइस यार अभी मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने मुझे फोन करके बुलाया है बाहर, तो चलो फिर यार अपन चलते हैं, क्या काम है उसको। चलो भाई। अरे भाई बताओ क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अबे तुझे नहीं पता क्या, गार्डन में एक ब्रांड न्यू वैगनार खड़ी है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या तू नहीं मानता, आजा मैं चल के तुझे दिखाता हूँ। चलो भाई। अबे भाई ये देख ये खड़ी वैगनार। अबे हाँ यार ये तो सचमुच में वैगनार है, वैसे इसका चीट कोड क्या है? अबे चीट कोड को छोड़ अपन इसको चुरा के ही भाग जाते हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अबे तुम लोग कौन हो और मेरी वैगनार को चुरा रहे हो? रुको अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अबे रुक अभी मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अच्छा क्या पुलिस को फोन करेगा ये ले? अरे यार ये तो गिर गया, चल जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी पोर्शे कार कबाड़ा हो चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ अभी एक और नई पोर्शे लेने। तो आप लोगों को तो पता ही है मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ, तो मेरे बैग में अभी 3 करोड़ रुपए मैंने बिना पूछे मम्मी पापा से ले लिए हैं। तो चलो फिर अपन जल्दी से पोर्शे के शोरूम पे चल जाएंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रन। तो गाइस यार अभी मैं पैसे देके आ चुका हूँ और ये रही मेरी पोर्शे, कितनी मस्त लग रही है। तो चलो फिर यार अपन इसको लेके घर पे चल जाएंगे। सो गाइस यार ये देखो कितनी मक्कन तरीके से चल रही है। अरे गाइस यार ये क्या हो गया? अरे गाइस यार ये देखो हमारी पूरी पोर्शे खराब हो गई। अरे यार ये किसका कॉल आ रहा है? हेलो। अबे बंटी तेरे भाई ने तो कावासाकी निंजा S2R ली है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या तूने वो UK 07 वाली कावासाकी निंजा S2R ली है? अबे हाँ तेरी औकात से बाहर। अच्छा चल फोन काट गरीब कही के भिखारी। गजब बेइज्जती है। अरे गाइस यार इसने तो कति कुरकुरी बेइज्जती की है। रुका भी पापा से जाके कहता हूँ कि मुझे भी एक बाइक दिलाए। अरे बाबा मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मुझे भी एक बाइक दिला दो, अगर बाइक नहीं दिलाई तो मैं रोने लग जाऊंगा। अच्छा बेटा नौटंकी मत कर, चल मैं तुझे बाइक दिला के आता हूँ। अच्छा पापा मेरे पीछे बैठ जाओ, अपन दोनों चलते हैं। अरे पापा ये देखो अपन पहुंच गए बाइक के शोरूम पे। अरे पापा ये देखो यहाँ पे तो कावासाकी निंजा हायाबुसा स्प्लेंडर है, तो मैं तो हायाबुसा लूंगा। मस्त प्लान है। अच्छा चल बेटा मैं तुझे हायाबुसा दिला देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, जा इसको घर पे ले जा। इतनी खुशी है मुझे। तो बस गाइस यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको देसी पसंद है तो कमेंट करो, और अगर विदेशी पसंद है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है बाय।